हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूं। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दे रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं आगामी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने, फॉरेस्ट गार्ड, डीएलएड, टीटी, सीटीईटी, यूपीटीईटी और सभी स्टेट्स के लिए टीटी एग्जाम्स, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, रेलवे, एनडीएस, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न आते हैं, जीके के संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50 के लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? सही उत्तर है इसका, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जिस अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। भारत को आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकासशील राष्ट्र के रूप में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर चार है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? सही उत्तर है तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर पांच है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था होती है, वह इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सही उत्तर है ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर छह है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? सही उत्तर है संवृत ऑब्लिक बंद अर्थव्यवस्था। संवृत ऑब्लिक बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था को जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सात है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? सही उत्तर है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, ऑप्शन डी उपयोग सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयोग सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नौ है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? सही उत्तर है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? सही उत्तर है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वो होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? सही उत्तर है 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाजार में अधिकतर बेरोजगारी है? सही उत्तर है संरचनात्मक। बाजार में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पे तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक और संरचनात्मक। तो बाजार में जो अधिकतर बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। सही उत्तर है NSSO। NSSO भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। भारत में बेरोजगारी की जो किस्म पाई जाती है ये ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? सही उत्तर है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है? प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? सही उत्तर है शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में जो भारत है हमारे देश में जो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन वन है कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र से, ऑप्शन थर्ड है विनिर्माण क्षेत्र से, ऑप्शन फोर शहरी क्षेत्र से। सही उत्तर ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी जो है वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? सही उत्तर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23 है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? सही उत्तर है शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां? सही उत्तर है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता होता है जहां पे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री लेने वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? सही उत्तर है शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री लेने वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। सही उत्तर है मौसमी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है अल्प रोजगार। प्रचंड बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रचंड बेरोजगारी निम्न से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी यातायात। सही उत्तर है कृषि। प्रचंड बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? सही उत्तर है आय में असमानता। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? सही उत्तर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? सही उत्तर है इंदिरा गांधी।
मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु इंदिरा गांधी जी ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया था। मूल रूप से जो 20 सूत्री कार्यक्रम था गरीबी उन्मूलन हेतु, वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें इसको अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी NREP, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो IRDP, ट्राइसेम, TRYSEM, NREP ये जो कार्यक्रम थे ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में नगरीय, क्वेश्चन नंबर 37 में कथन दे रखे हैं। कथन ए है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये कूट सही है, भारत में जो नगरीय गरीबी की जड़ें हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? सही उत्तर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना था। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है यह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? सही उत्तर है IBRD, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? सही उत्तर है UNDP, मानव विकास सूचकांक HDI UNDP ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? सही उत्तर है महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक HDI महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी सकल नाम निवेश दर। सकल नाम निवेश दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, और स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये सभी मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? सही उत्तर है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। स्वास्थ्य और शिक्षा, जीवन स्तर मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? सही उत्तर है अप्रैल 2002 में। संयुक्त राष्ट्र, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है मध्यम मानव विकास श्रेणी। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है?
ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, ऑप्शन सी साक्षरता दर, ऑप्शन डी सकल नामांकन। सही उत्तर है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जो है ये मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन ये सभी मानव विकास सूचकांक के माप हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण उदारीकरण, ऑप्शन सी करारोपण, ऑप्शन डी भूमि सुधार। सही उत्तर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कंप्यूटर एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।